हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों दोस्तों, आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो एक स्पेशल एम्पलीफायर है, जिसको गोल्डन थ्रोट, सुनहरा गला जिसको बोलते हैं, सुनहरी आवाज़, ऐसा एम्पलीफायर है। काफ़ी महंगा है, प्राइस तो मैं नहीं बताऊँगा, बहुत सारा महंगा है। और दोस्तों, ये उसका पूरा लुक है, आप देख लो। ये इसमें 24 तो ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं, 24 ट्रांजिस्टर, बीच में एक आईसी लगाया हुआ है जो NE5532P का आईसी है उसके अंदर। और ये दोस्तों 150 वॉट, 150 वॉट, 4 और 8 ओम पर ये चलता है। इसमें जो चिप्स लगाया हुआ है वो है एक ये वाला, यहाँ दिखता है वो LM317T लगाया हुआ है। बीच में है वो NE5532P लगाया हुआ है। और ये वो है A1 A1507, दूसरा है 63902, और A5 A507। और ये यहाँ पर लगाए हुए हैं वो है IRFP240 और IRFP240, ऐसे लगाए हुए हैं सारे। दोस्तों मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको ये दिखा देता हूँ टेलीफोन में, मेरे सेलफोन के अंदर ये कैसा है, पूरा भरा हुआ है। दोस्तों रिपेयरेबल आइटम नहीं है, आप रिपेयर कर सको, अगर बाय करो तो भी रिपेयर करना टोटली नामुमकिन है दोस्तों। और इसमें रिले भी दिया हुआ है, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। ये ऐसा है, देखो ये लिखा हुआ है, देखो ये पहले से मैं बता देता हूँ, ये आप पढ़ लेना। लिखा है एक एक इसमें हीट सिंक, 1 किलो से ज़्यादा वजन वाला हीट सिंक चाहिए। और ये सारा उसका ये बताया है, ये है यहाँ का, देख लो दोस्तों जो अंदर लगाया हुआ है वो अंदर है, देख लो। या पढ़ लो, जो अंदर लगाया हुआ है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आप खुद ही उसमें पढ़ लो। अगर किसी भाई को ऐसा कुछ बनाना चाहता है, ऐसा कॉपी करने वाला कोई बनाना है, तो इसमें से ये बना सकता है। ये बता दिया दोस्तों पूरा मैंने। अभी ये यहाँ का ये एम्पलीफायर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का ये पूरा है, जिससे कैपेसिटर, और इस साइड में बहुत बड़ा रेक्टिफायर है, यहाँ ये LM का है। और ये सारे बहुत छोटे छोटे रजिस्टर लगाए हुए हैं, आप जान देखते हैं दोस्तों। और अभी हीट सिंक तो मैंने टेम्पररी लगा दिया है, बिना फैन से उसको नहीं चला सकते। इस तरह से ये पूरा दोस्तों भरा भरा हुआ एम्पलीफायर है, पूरा भरा हुआ है, जैसे बोलते हैं भरा हुआ है, जरा भी अंदर स्पेस नहीं है। और पता नहीं अंदर कोई लोकल कंपाउंड, लोकल उसमें कोई कंपार्टमेंट डाला हुआ नहीं है। उसमें आप देख सकते हैं दो पोटेंशियोमीटर भी उसमें दिए हुए हैं, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इनपुट या कुछ भी कंट्रोल करने के लिए होते हैं। लेकिन मैं कुछ छेड़खानी करने वाला नहीं हूँ दोस्तों उसमें, क्योंकि अगर बिगड़ गया तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मुझे आपको दिखाने के लिए ये मैंने आपको बताया है। और ये दोस्तों 24.025 एम्पियर पर मैं उसको चलाता हूँ, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्म बहुत होता है दोस्तों ये, इसलिए ये कहते हैं कि उसके लिए बहुत बड़ा हीट सिंक चलाने के लिए चाहिए, क्योंकि इस ये सारे गर्म होते हैं। मैंने चेक किया, ये सारे गर्म होते हैं, यहाँ वाले सारे गर्म होते हैं, और ये भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अभी तो मैंने उसमें दो डाले हुए हैं, एक और एक दो डाले हुए हैं अभी तो टेम्पररी, तो बाद में मैं बड़ा हीट सिंक उसमें लगा दूंगा दोस्तों। तो अभी ज़्यादा बातें करते न हुए मैं उसका साउंड भी आपको सुना देता हूँ, उसका साउंड कैसा है दोस्तों। क्रिस्टल क्लियर सुपर डुपर साउंड है उसका। और दोस्तों उसमें बास ट्रबल का कोई बोर्ड लगाया हुआ नहीं, डायरेक्ट ही उसको जो नेचुरल साउंड सेलफोन से आता है
उस पर ही मैं आपको सुनाऊंगा। और ये मेरे बड़े दो टावर स्पीकर है जिसमें करीबन 200 वाट पर एक टावर स्पीकर, 200 वाट का एक है, दूसरा भी 200 वाट का है। उसके ऊपर आपको मैं चला के दिखाऊंगा। ये डॉगी साउंड के 2 80 80 वाट के 8 ओम्स के ऊपर लगाए हुए हैं, ऊपर ट्विटर लगाया हुआ है दोस्तों। उस पर मैं आपको चला के दिखाऊंगा दोस्तों। कर रहा हूँ अभी, मैं उसको ऑन कर रहा हूँ। देखो ये रिले कैसे काम करता है। देखो ये हो गया चालू। अभी मैं उसमें साउंड ऑन करता हूँ। दोस्तों दूसरा साउंड लगाता हूँ। तो दोस्तों यही वीडियो था। कैसा लगा साउंड कमेंट में ज़रूर दिखाना। अब ये दूसरा साउंड चालू हुआ है। दोस्तों यही वीडियो में समाप्त करता हूँ दोस्तों। सुपर डुपर एम्पलीफायर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा साउंड। टोटली THX टाइप थिएटर डॉल्बी साउंड जैसा उसका आवाज़ है।
और इतने बड़े स्पीकर तो आराम से उठा लेता है, कोई कंप्लेंट नहीं है। थोड़ा आवाज़ खोलते हो तो चालू हो जाता है और आवाज़ टोटली टोटली क्लीन क्रिस्टल क्लियर आवाज़ देता है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।